अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अरसलान जाफरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ शफीक जाफरी भाई को थैंक्स कहना है जो अर्निंग एंड लर्निंग के नाम से अपना यूट्यूब चैनल ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो न्यू यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहते हैं यूट्यूब को ग्रो करने के लिए, और वीकली बेसिस पर वो लकी ड्रा भी करते हैं। कॉमेंट्स रेंडमली पिक करने के बाद वो कोई से दो चैनल को जो है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे लोग उनको सपोर्ट करें सब्सक्राइब करने के बाद। तो आज उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने पुरानी अपनी किसी एक वीडियो से कमेंट्स उठाए जिसमें मेरा कमेंट भी शामिल था। तो उन्होंने आज जो वीडियो बनाई उसमें उन्होंने 3 से 4 चैनल को रिव्यू किया, उनकी लुक वाइज, उनकी सेटिंग्स और वो चैनल की सारी बायोग्राफी उन्होंने चेक की। तो उसमें मेरे चैनल का नाम भी निकला। तो जो उन्होंने रिव्यू किया मेरे चैनल को, आइए आप उन्हीं की जुबानी सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के चैनल्स में बहुत सारी गलतियां होती हैं और आप लोग बार बार एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सर चैनल रिव्यू कर दें। बेशक नो डाउट कि आपके चैनल्स में गलतियां होती हैं कभी कभार, लेकिन पॉसिबल नहीं होता कि सबके चैनल्स को रिव्यू किया जाए। तो आज मैं आपके सामने आपके कमेंट्स में से 4 से 5 चैनल्स निकालूंगा, आप लोगों ने गौर से देखना है। हो सकता है वो चैनल्स आपके भी हो सकते हैं, या अगर आपके नहीं भी होते तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो गलतियां उन्होंने की हुई हैं, हो सकता है वो गलतियां आप लोगों ने भी की हुई हों। तो ये इन साहब को निकालते हैं, एक ये इनको निकालते हैं और ये अरसलान जाफरी साहब को निकालते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा जी, इन्होंने चैनल आर्ट बनाया। सीड मोटिवेशन, वेरी गुड वेरी गुड जी। पहली वीडियो नजर आई है जी, चैनल नजर आया जिसके ऊपर इन्होंने फीचर वीडियो भी लगाई हुई है। तो जरा आते हैं इधर होम के ऊपर, ये देखें जी, इन्होंने सीड मोटिवेशन अपना बहुत जबरदस्त। सीड रिफ्यूजेस टू डाई व्हेन यू बरी इट, दैट इज व्हाट। अरसलान जाफरी साहब को जरा देखते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये देखें थंबनेल नजर आ रही है ना, कि थंबनेल से देख के आपको पता चलता है कि भाईजान इसके अंदर क्या है। आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत गौर से इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बहुत अच्छे जी। ये देखें, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है आपका थंबनेल, ये भी थंबनेल थोड़ा सा इसको क्लियर करें, बाकी अच्छे हैं। ये थंबनेल बहुत अच्छा है लेकिन इसकी राइटिंग जो है ये एडजस्ट करें थंबनेल के मुताबिक, अच्छा जा रहा है जी। इसको आप लोग थोड़ा सा ना करेक्ट करने की कोशिश करें, बाकी ठीक है। अगर आपकी अपनी वीडियोस हैं तो बाकी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह जबरदस्त है। अब अबाउट के सेक्शन में आते हैं, जरा इनको देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है अबाउट में। ये देखें, वेरी गुड जी, ये इन्होंने सब्सक्राइब का भी दिया हुआ है, लिंक्डइन का भी अपना प्रोफाइल दिया हुआ है, ट्विटर का भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है, फेसबुक का भी दिया हुआ है। ये हुई ना बात, इस तरीके से आप लोग थोड़ा अच्छा ग्रो करने लगते हैं। प्लेलिस्ट की तरफ चलते हैं जी, इन्होंने कोई प्लेलिस्ट बनाई है, वेरी गुड। ये देखें, इन्होंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो ये चीजें होती हैं जो आपके चैनल को जल्दी से ऊपर लेके जाती हैं, जिनको आप जी। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी होगी जिसमें शफीक जाफरी भाई ने अपने अल्फाज में एक फीडबैक दिया, और ये फीडबैक जैसा भी था आपने अभी सुना। तो इसमें मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आप अगर कहीं किसी लंबे सफर के लिए निकलते हैं, गाड़ी आप चाहे जो भी यूज करें, बाइक हो, कार हो, कोई भी गाड़ी हो, उसकी सेटिंग ट्यूनिंग वगैरह आपको एक दफा चेक करनी पड़ती है ताकि आपको लंबे सफर में परेशानी का सामना ना हो। तो इसी तरह YouTube की भी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो मैं कुछ तो अपने नॉलेज के मुताबिक जो है उनको एडजस्ट किया, और कुछ मैंने हेल्प ली मिस्टर शफीक जाफरी के चैनल से। इसको तकरीबन मैं 1 मंथ से इनके चैनल को व्यू कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ इनकी वीडियोज को। आई वुड लाइक टू से थैंक्स वंस अगेन टू मिस्टर शफीक जाफरी फॉर टेकिंग अ रिव्यू टू माई चैनल। तो दोस्तों, इधर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब मैंने ये वीडियो देखी, मैंने इस पर कमेंट किया, तो मेरे उस कमेंट के नीचे कुछ रिप्लाई थे कुछ अफराद के, तो जिनका ये कहना था कि जाफरी भाई आप अपने ही जाफरी भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन के ऐसा नहीं है भाई, मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप उनका शफीक भाई का चैनल वॉच करते हैं वैसे ही मैं भी उनका एक व्यूअर हूँ। सो मैं उनको पर्सनली तौर पर नहीं जानता, सिर्फ मैं उनको चैनल उनकी वीडियोज जो है उनको वॉच करता हूँ। सो मे बी नेक्स्ट जब वो रिव्यू करें चैनल तो आपका भी नाम आ जाए। लेकिन दोस्तों, मैंने अपना ये चैनल 2016 में बनाया, बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं इस पे काम नहीं किया, लेकिन मैं 2020 के स्टार्ट में मैंने काम करना शुरू किया। इसके पीछे रीजन क्या थी अगर आप जानना चाहें तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं।
So I will definitely make another video to explain what was the reason to not working on that YouTube channel since 2016. तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे ये एक मैसेज शेयर करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, अगर आप अपनी तरफ से उसको 100% देते हैं, तो आप उस काम में कभी नाकाम नहीं हो सकते। शर्त यही है कि आप नेक नीयत से अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा दें। अल्लाह आपकी मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देगा। जैसे आज के फीडबैक के बाद मुझे मोटिवेशन मिला है, कल को आपका चैनल भी हो सकता है अगर आप मेहनत करें तो, मजीद अल्लाह आपको कामयाब करे। So at the end of the video, I want to say thanks to all of you guys for watching my videos and supporting me. Thank you so much and Allah Hafiz.